कहते थे हमसे ज्यादा प्रसिद्ध है कोई, तो वो अपने को सिद्ध कहते थे, वो प्रसिद्ध कहते थे, इसी बात का विवाद था। बोलो था ये सिद्ध और प्रसिद्ध वाला विवाद समाप्त करो, हृदय से हृदय मिला के मिलो, परमात्मा निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगा। सबने हृदय से हृदय मिला करके एक दूसरे को हृदय से लगाया और जब ये प्रेम देखा, सामूहिक रूप से भगवान से प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता। जैसे ही प्रार्थना की, हृदय से हृदय मिलाकर भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, ओ तुम ही लाग धरी हो नर भेसा। हम तुम्हारे कारण नारायण से नर बनेंगे, शंकर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हम बानर बनेंगे, मन ही मन मुस्कुरा रहे हमारा काम बन गया, युक्ति से बहुत बढ़िया काम बना। क्यों बन गया काम कि नहीं बन गया? अगर भगवान शंकर बानर न बनते और नारायण से नर न बनते भगवान, तो बोलो शिव जी को सेवा करने का मौका मिलता? राम जी कभी मौका नहीं देते भगवान शिव को, लेकिन आज इतना बढ़िया समाधान हुआ कि नर से नारायण से आज वो नर बनने जा रहा है और शिव जी आज बानर बनने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते जय ही शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, और रुद्र देह तजने ही बस शंकर भय हनुमान, जान राम सेवा सरस समुझ कीने अनुमान, ओ पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान। बोलो भगवान शंकर हरते भय हनुमान, भगवान शिव ही आज वानर बनकर के सेवा का संकल्प लेकर आए हैं। भगवान की सेवा हनुमान जी के द्वारा हुई। बोलो राम जी की सबसे ज्यादा सेवा किसके द्वारा हुई? हनुमान जी के द्वारा हुई। हनुमान जी ने जो कार्य किया है वो कार्य किसी ने नहीं कर पाया है। यहां तक रिकॉर्ड बन गया साहब कि सारी दुनिया ये मानती है कि अगर हमारे जीवन में कष्ट आएगा, हमारे जीवन में संकट आएगा, तो हम भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे। क्यों भाई? पूछा किसी ने कि संकट आएगा, भगवान की शरण में पहुंचोगे तो क्या होगा? कहा जितनी भी व्याधियां व्याधियां होंगी, जीव कहता है कि परमात्मा की शरण में पहुंचते ही वो सारी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। सुखी मील जह नीर यगाधा, ओ जिम हरि शरण लये कौ बाधा। लेकिन भगवान कहते हैं जीव जीवात्मा हमारी शरण में आवे, तो जैसे ही शरण में आएगा तो हम उसकी सारी बाधाएं दूर कर देंगे। जितने भी प्रकार के संकट होंगे, समस्त संकट हम उसके दूर कर देंगे। लेकिन परमात्मा के जीवन में संकट आएगा तब कौन दूर करेगा? क्यों भाई? जीवात्मा के संकट का मोचन तो परमात्मा करता है, लेकिन परमात्मा यही कहता है याद रखना, जब जीव के ऊपर संकट आता है तो जीव के संकट का मोचन स्वयं राम करते हैं, और राम के ऊपर संकट आता है तो राम के संकट का मोचन हनुमान करते हैं। बस यही अंतर है। भगवान शिव ऐसे समर्थ देवता हैं कि वानर बनकर के हनुमान बनकर के राम जी के संकट मोचन बन गए। बोलो बन गए किसके संकट मोचन? राम जी के संकट मोचन बन गए।